नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिखा पांडे आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल वेद वेलनेस पर। आज हम लोग बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के विषय में, जिसे कि आयुर्वेद में संधिवात भी कहा जाता है। हम जानेंगे इसके कारण, लक्षण और चिकित्सा, तो हमसे जुड़े रहिए। आइए जानते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ज्वाइंट की ऐसी कंडीशन है जिसमें ज्वाइंट्स कमज़ोर हो जाते हैं उनमें टूट फूट होने के कारण। ये हमारे ज़्यादातर बड़े जॉइंट्स जैसे कि कूल्हे की जॉइंट, जिसे कि हिप जॉइंट भी कहा जाता है, घुटने का जॉइंट, नी जॉइंट जिसे कहा जाता है, इनको प्रभावित करती है। रिसर्च के अकॉर्डिंग पाया गया है कि भारत में लगभग 12% लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित है, जिसमें कि 25% महिलाएं। बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारणों के विषय में। ऑस्टियोआर्थराइटिस 40 से उम्र के ऊपर के जो लोग हैं, व्यक्ति होते हैं, उनका ये खुद भी हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे हमारी जो बोन्स होती है वो डिटेरियोट होती है, कमज़ोर पड़ती है, तो जिसके कारण जो हमारे जोड़ है वो भी कमज़ोर पड़ते हैं। तो 40 उम्र के ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस जनरली मिलता ही है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ओवरवेट होना कारण इसका ही बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि जब व्यक्ति ओवरवेट होता है तो वो जो हमारे घुटने जो वेट बियर करते हैं हमारी बॉडी का, वो उनको कमज़ोर बनाते हैं, इसलिए ओवरवेट होना इसका एक कारण है। कुछ लोगों में वंशानुगत यानी कि जैसे हेरिडिटरी भी कहते हैं, ये व्याधि चलती है, जैसे कि दादा से पापा को, पापा से बच्चे को, तो इस प्रकार से ये वंशानुगत भी हो सकती है। और इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसके अलावा बार बार घुटनों में या फिर बार बार जोड़ों में जो बड़े जोड़ है उन पे चोट लगना इसका एक कारण हो सकता है। फॉल्टी लाइफस्टाइल, जो आजकल हम लोग जिस तरह के दिनचर्या का अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, ये इसका एक बहुत बड़ा कारण संधिवात का। ये जानते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षणों के विषय में। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो जोड़ होते हैं उनमें सूजन होना, दर्द होना, जकड़ाहट होना या गर्माहट होना, ये आमतौर पर प्राप्त हो सकता है। उसके अलावा चलने फिरने में शिकायत होना, सीढ़ी ना चढ़ पाना, ये इसके मुख्य लक्षण है जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट में कॉमनली हमें मिलते हैं। बात करें अगर चिकित्सा की, तो एलोपैथिक में संधिवात का एक बहुत ही लिमिटेड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जिसमें कि वो सिंपली पेन किलर्स ही आप लोगों को मोस्टली देते हैं या स्टेरॉइड दे सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद में संधिवात का हम पूर्णतः से इलाज कर सकते हैं। मुख्यतः हम इसमें रासना का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये एक वात प्रकोपक व्याधि है, तो वात को बैलेंस करने के लिए रासना को बेस्ट मेडिसिन कहा गया है। हम इसमें शल्लकी का प्रयोग कर सकते हैं, शतावरी का प्रयोग किया जा सकता है, गिलोय का प्रयोग कर सकते हैं जो कि एक रसायन भी है, और वात शमक औषधि और अस्थि पोषक भी है। क्योंकि ये व्याधि 40 के ऊपर वाले व्यक्ति में मिलती ही है, तो रसायन का प्रयोग इसलिए ऑस्टियोआर्थराइटिस में ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो एक इम्यून मॉड्यूलेटर की तरह काम करती है, हमें पोषक देती है, रसायन रिजुवेनेशन की तरह काम करती है, तो इसलिए हमें रसायन का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए ऑस्टियोआर्थराइटिस में। इसके अलावा हम लोग रासना सप्तक क्वाथ का प्रयोग कर सकते हैं। पंचकर्मा चिकित्सा की अगर बात करें, तो हम किसी भी वात तेल से, जैसे कि क्षीर बलाते हैं जो कि बल्ले भी है, ऐसे औषधियों का प्रयोग करके अभ्यंग करके स्वेदन कर सकते हैं। जानु बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं, अनुवासन बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं, निरु बस्ती में पंचतिक क्षीर बस्ती का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, उपनाह जो कि एक लेप के प्रकार से हम लोग उसका उपयोग किया जा सकता है, वाथर औषधियों का उपनाह बनाकर हम लोग घुटनों पे उसको लगा सकते हैं, तो इस प्रकार से हम उपनाह का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि घुटनों में सूजन है या फिर दर्द बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग उसमें धान्यम धारा का प्रयोग कर सकते हैं या फिर रुक्ष श्वेत का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस व्याधि में हमारी जो जॉइंट्स हैं वो बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए योगा में हमें सूक्ष्म व्यायाम का ही प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि वृक्षासन, सेतुबंधासन, त्रिकोण आसन या शवासन का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं योगा के रूप में। तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे एक्सरसाइजेज जो बोन्स पे बहुत ज़्यादा या जॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना डालें, हमें ऐसे एक्सरसाइजेज का प्रयोग। बात करते हैं क्या करें और क्या ना करें। जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि हमारे जॉइंट्स इस व्याधि में बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं, तो हमें बहुत ही एक्सटेंसिव एक्सरसाइज या बहुत ही एक्सर्शनस वर्क से बचना चाहिए। हमें बहुत ही थोड़े मिनिमम एक्सरसाइज सूक्ष्म व्यायाम के रूप में, जो कि मैंने आपके योगासन बताए, तो बहुत ही लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड के लिए, सिर्फ जोड़ों की फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने के लिए, जोड़ अपने ठीक से काम करते रहे, उनका मूवमेंट बना रहे, इस कारण हमें सूक्ष्म व्यायाम का प्रयोग करना चाहिए। यदि हम ओवरवेट हैं, तो हमें अपना वेट कम करना चाहिए, क्योंकि ओवरवेट होने से हमारे जोड़ों पे ही उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, हमारे जोड़ों को ही बहुत ज़्यादा वजन उठाना पड़ता है हमारे शरीर का, तो इसलिए हमें वेट कम करने के लिए प्रयास करना चाहिए। हमें आयुर्वेद में बताई गई दिनचर्या का पालन करना चाहिए, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा नेक्स्ट वीडियो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पे आयुर्वेदिक दिनचर्या के ऊपर ही होगा, तो आप मुझसे जुड़े रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए भी।
और हम लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है, तो उसके लिए मैंने आपको स्वेदन के लिए बताया, उसके ऑप्शन के रूप में हम लोग हीटिंग पैड या इलेक्ट्रिक जेल बैग बहुत रेडिली अवेलेबल है, किसी भी शॉप से आप लोग ले सकते हैं, या फिर आप रबर बॉटल जो कि हर घर में हर हाउस होल्ड में आपको मिल सकती है, तो रबर बॉटल का भी प्रयोग कर सकते हैं सिकाई के लिए। देसी घी का प्रयोग अवश्य करें, उसे अपने खाने में जोड़ें, क्योंकि देसी घी में जो स्नेह तत्व होता है वह हमारे वात का शमन करता है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल वेदा वेलनेस से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।